में पूरे गांव में सबसे ज्यादा मजबूत तो तेरा ये दादा चंपक था। एक दिन हम दोस्तों में शर्त लगी कि नारायण काका के तूफानी बेल की रस्सी खोलकर उसे वापस कूटे पर बांधने का बीड़ा कौन उठाएगा, तो तेरे चंपक दादा ने बीड़ा उठाया। वाओ दादाजी, फिर? अरे क्या फिर, अरे रव जी रहने देना भाई, तू भी बापू जी सुनने दीजिए ना। आप तो कभी अपने मुँह से अपने ये बहादुरी का किस्सा सुनाते नहीं है। क्या बापू जी को आदत है ना अपने मुँह से अपनी तारीफ करना। सुनने दीजिए बापू जी। अरे फिर क्या, फिर चंपकिया में तो जवानी का जोश था। जैसे उसने कालिया बैल की रस्सी खोली और जैसे उसे पकड़ने गया, कालिया बैल को गुस्सा आ गया। न कालिया बैल जीत छोड़ने को तैयार, न चंपक जीत छोड़ने को तैयार। और फिर गांव की गलियों में कभी कालिया बैल आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चंपक भाग रहा है, तो कभी कभी आगे चंपक भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कालिया बैल भाग रहा है। दादाजी कालिया बैल आपको पकड़ने आ रहा था? अरे नहीं नहीं, सींग मारने। फिर क्या हुआ? और फिर कालिया बैल और चंपक ने पूरा गांव घुमरी पर चढ़ा दिया। गांव के सारे लोग तमाशा देखने आ गए। दो चार लोगों ने चंपक की मदद करने की कोशिश की, तो चंपक ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि आज तो चंपक की इज्जत का सवाल, मैं इस कालिया बैल को पकड़ कर ही रहूं। शाबाश दादाजी, फिर? फिर क्या, चंपक और कालिया बैल एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दोनों एक दूसरे के सामने दौड़ने लगे और जैसे कालिया बैल ने चंपक को सींग मारने की कोशिश की, चंपक ने पूरी ताकत के साथ उसके दोनों सींग पकड़ लिए। कभी कालिया बैल चंपक को पीछे धकेल रहा था, तो कभी चंपक कालिया बैल को पीछे धकेल रहा था। हम सबको लगा कि आज तो चंपक की हड्डियां टूटेगी, लेकिन चंपक ने कहा जय बजरंग बली और जैसे तैसे कालिया बैल को खूंटे से बांध दिया। अरे वाह, पर कालिया बैल ने चंपक के मुंह पर ऐसा सींग मारा था कि चंपक का टमाटर जैसा मुंह कद्दू जितना हो गया था। दादाजी पूछिए, इतने बड़े सांस में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती है ना, क्या बोलो बापूजी? इसको छोटी मोटी चोट बोल रहे हैं। अरे एक बार तो, अरे रवजी रहने दे भाई, तू भी बोल लड्डू वाला। अरे रहने दे बापूजी, अरे सुनने दीजिए ना। आप मेरे किस्से तो टप्पू को, दया को, सबको सुनाते रहते हैं, आज आपके किस्से सुनने का मौका मिला है, सुनने दीजिए ना प्लीज। हाँ दादाजी सुनाइए ना। गांव में वालजी की शादी के लड्डू बन रहे थे, तो सब में चढ़सा चढ़सी हो गई सबसे ज्यादा लड्डू कौन खाएगा। तो ये चंपक ने तो जीत पकड़ ली कि सबसे ज्यादा लड्डू मैं खाऊंगा। आपने बापूजी ज्यादा लड्डू खाने की रेस लगाई? बापूजी आपका खुराक तो पहले से ही कम है, फिर आप ऐसी रेस में उतरे क्यों? शायद अपने किसी मित्र को जीतने के लिए। अच्छा ये हो सकता है, तो फिर आप हार गए बापूजी। अरे जेठा, शुद्ध घी से लटपट लड्डू की हरी पाई में सबसे ज्यादा लड्डू तेरा ये सुख लकड़ी पिताजी खा गया था। अरे वाह 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 वाह, शाबाश दादाजी। वाह बापूजी वाह। और पता है क्या हुआ? अरे भाई रोजी, तू मुझसे मिलने आया है कि मेरे किस्से सुनाने आया है? वैसे रवजी काका, बापूजी एक बात बोलनी पड़ेगी, ये गांव की पुरानी बातें सुन के मजा आ गया। भाई पुरानी बातों की बात ही कुछ और है, अब सच कहूँ तो जीवन तो सिर्फ गांव का। हाँ वो तो है, सुबह सुबह सारे किसान बैलगाड़ी लेकर है इन खेत में जाते हैं, गांव की सारी औरतें सर पे घड़े रख कर कुएं पे पानी भरने जाती, और तुझे पता है बहू, यहाँ जैसे वो औरतों की किट्टी पार्टी होती है ना, वैसे गांव के सारे बुजुर्ग मिलकर शाम को गांव के चौक पे बैठते, मंदिर की आरती में पूरा गांव आता, वो मिट्टी की खुशबू, उस सांसों में उतरती शीतल हवा, वो गांव के एक दूसरे के सुख दुख बांटते फूले लोग, कोई भी त्योहार हो गांव के सभी लोग हर त्योहार उत्साह और उमंग से मनाते। वाओ कितनी ग्रेट लाइफ थी। हाँ बेटा, लेकिन ऐसी अद्भुत जिंदगी अब बस यादों में रह गई है। ऐसी बात नहीं है चंपा, शहर वालों के लिए जिंदगी सिर्फ यादों में रह गई है क्योंकि शहर में इंसान मशीन बन गया है, लेकिन गांव में आज भी लोग ऐसे ही जीते। भाई तू तो मुंबई आ गया, लेकिन तेरे सिवा हम सारे दोस्त जहाँ खेलते थे ना पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ रोज मिलते। अच्छा?
और आज भी जब मैं खेत में होता हूँ ना, तो ये जेठिया की काकी रोज मुझे खाना देने खेत में आती। हा हा हा, खाने का असली सुख तो खेत में पेड़ के नीचे मिट्टी पे बैठ के खाने का है। अरे आज भी गांव में उगते सूरज को देखने का मजा जो पहले आता था ना, आज भी उतना ही आता है। अरे आज भी मंदिर की आरती की घंटियां सुनाई देती है ना, तो परमेश्वर को पा लिया हो ऐसी अनुभूति होती है। बस कर रहो जी, बस कर रहो जी। कल मैं भी तेरे साथ गांव आ रहा हूँ। बाबूजी कल ही? हाँ हाँ जेठिया, कल ही।